तो मैं घोसी वालों, मैं तो 14 में चुनाव लड़कर हार गया था, और जब लोग कह रहे थे कि हार कर बेंगलुरु वापस चला जाएगा, तब हारने के तीसरे दिन बाद हिंदी भवन में अपने नए साथियों के साथ बैठकर मैं घोसी के लोगों से कहा था कि मेरे घोसी के मालिकों, मैं आपकी सेवा करने के लिए इस स्थली को चुना हूं। आपने शायद मुझे उस लायक नहीं समझा। आपको जिसको दिल्ली भेजना था दिल्ली भेज दिए। मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाऊंगा और आपके दिल में रहूंगा, और मेरी अर्थी भी उठेगी तो एक दिन घोसी की धरती से। मैं उस वादे को निभा रहा हूं, उस वादे को निभा रहा हूं, सरकार से लड़ रहा हूं। लेकिन न टूट सकता हूं, न झुक सकता हूं, न बिक सकता हूं। आपके सवालों पर लड़ रहा हूं। अगर जमीन पर लड़ रहा हूं तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो दिल्ली के सदन में भी जब लड़ूंगा तो कल्पनाथ राय का चेहरा नजर आएगा, जो कल्पनाथ राय का दुकान करते हैं। कोई नहीं दबा सकता, न मुझसे ज्यादा कोई सवाल जानता है, न मुझसे ज्यादा सरकार की कोई कमियों को जानता है। कब कौन सी नस दबानी है मुझे पता है, लेकिन उस लायक तो बना दो। अगर आप उस लायक नहीं बनाओगे तो आपको क्या हक बनता है कि 5 साल से कहते करते रहो? आपका कौन सा अधिकार है कि नौकरी ना मिले? तो आप शिकायतें करो, जो आपके बच्चों को बेरोजगार कर रहे हो, जो आपके बच्चों के ऊपर लाठी चला रहे हो। हमारा छोटा सा इलाका है, यहाँ दो ही चीजें, किसानी और बुनकर, दो ही है ना, कोई उद्योग धंधा नहीं। आजकल जहां देखिए खेत में आग लग जा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो जलने के बाद पहुंच रही है। तो किसान गर्मियों में खेत में आग बुझा रहा है और जाड़े में खेत की रखवाली कर रहा है। बुनकरों का हाल यह हो गया है, इस देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया, बुनकर भी किसान आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। बिजली का दाम बढ़ गया, जीएसटी धागों पर कम नहीं हो रहा है, मार्केट में जगह नहीं है, तो क्या हालत बना रखा है? किसकी जिम्मेदारी है? मैं बहुत लंबा बात नहीं, आप दिल पे हाथ रखकर सोचना कि आपका दिल उस बात के लिए गवारा करता है कि जब आपकी मुसीबत पड़ी थी तो जो लोग आज आपका वोट मांगकर दिल्ली जाना चाहते हैं कभी आपके बीच में नजर नहीं आए, कभी आपके दुख सुख में नजर नहीं आए। और एक बच्चा, एक बेटा, एक भाई हुआ है जो आपके हर दुख सुख पर आपके रिश्तेदारों से पहले पहुंचा है, तो उसको आशीर्वाद दे देना। और अब दिल ना करे तो मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आजादी से लेकर कल्पनाथ राय तक घोसी की बहू की गौरव गाथा की हम बखान करते हैं, आपका आशीर्वाद मिला, तो जब लोकसभा की कार्यवाही सदन में चलेगी तो आप खड़े होकर बोलोगे मेरा बेटा भी बोल रहा है, मेरा भाई भी बोल रहा है, उसकी दवा जूझ रही है। और जब आपको तकलीफ होगी तो आप कह दोगे किसी भी अगल बगल वाले लोकसभा वालों से, तुम्हारे नेता के बारे में तो पता नहीं, मेरा सांसद तो जब कुछ नहीं।